नेहा ने एक बार फिर अपनी प्यारे से शब्दों से लोगों का दिल जीत लिया। नेहा ने ये शब्द सोशल मीडिया पर लिखे हैं और ये शब्द नेहा ने एक प्यारा सा गिफ्ट मिलने पर लिखा। नेहा के ये शब्द हैं कि कम से कम एक बार जिसके मिलने पर लोग पागल रहते हैं वो मुझे गिफ्ट में मिला है। सोचिए वो गिफ्ट नेहा ही नहीं बल्कि लोगों के लिए भी कितना खास होगा। नेहा के लिए इसलिए खास है क्योंकि नेहा को ये गिफ्ट में मिला है। हम आपको नेहा के उस बेस कीमती गिफ्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पाकर नेहा अपने आप को खुशनसीब मान रही हैं। अब शादी, नाच गाना, कपड़े सब हो गए, अब बारी है बेस कीमती गिफ्ट की जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। नेहा ने खुद इस बेस कीमती गिफ्ट का खुलासा किया है जो उन्हें शादी में मिला। दरअसल नेहा ने शादी के बाद अपनी कुछ खूबसूरत फोटो शेयर की है। वैसे तो हर कोई नेहा की शादी की फोटोज देख चुका है लेकिन नेहा ने इन फोटो को शेयर करते हुए अपने गिफ्ट को दिखाया। नेहा का ये गिफ्ट उनका कीमती लहंगा है जो उन्हें सव्यसाची की तरफ से गिफ्ट में दिया गया है। सव्यसाची का जिक्र करते हुए नेहा ने लिखा कि जिसके कपड़े लाइफ में कम से कम एक बार लोग पहनने के लिए पागल होते हैं उन्होंने वो आउटफिट मुझे गिफ्ट में दिए। नेहा ने आगे प्यारी सी बात लिखी कि सपने सच होते हैं और वो और ज्यादा बेहतर तब होते हैं जब आप डट के मेहनत करें। थैंक यू माता रानी, शुक्र है वाहे गुरु जी का। नेहा जानती हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत करके आज अपने आप को उस काबिल बनाया कि आज उनके सारे सपने सच हो रहे हैं। देश की नंबर वन सिंगर नेहा कक्कर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है और हम ये भी जानते हैं कि आज किस मुकाम पर नेहा है। वहां पहुंचने के लिए नेहा ने मेहनत तो की ही साथ ही लोगों के तानों को सुना। लोग नेहा और उनके भाई बहन सबका मजाक बनाते थे क्योंकि सोनू नेहा जागरण में भजन गाया करती थी। इनकी कमाई से इनके घर का चूल्हा जलता था। वो दिन कभी नेहा और सोनू टोनी नहीं भूल सकते जब इनके पिता रात को इन्हें जागरण में लेकर जाते थे और सुबह ये चार पैसे कमा कर वापस लौटते थे। पूरी रात बच्चों को गवाते देख लोग इनके पापा को खरी खोटी सुनाते थे लेकिन कोई नेहा और उनके परिवार का पेट पालने नहीं आता था। नेहा और सोनू को भरोसा था कि उनकी मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी और देखते ही देखते नेहा म्यूजिक इंडस्ट्री की शान बन गई। नेहा, सोनू और टोनी ने आज पूरा बॉलीवुड अपने नाम करवा लिया। नेहा अपने संघर्ष के अलावा अपने लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। बेशक आप भी नेहा और हिमांश कोहली का रिलेशनशिप जानते होंगे लेकिन आज हम नेहा और हिमांश की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके ऐसे पति की बात कर रहे हैं जिसे नेहा ने मजाक में बनाया था। जी हाँ, नेहा कक्कर ने झूठी शादी रचाई थी, वो भी लाखों की भीड़ में। जी हाँ, एक रियलिटी सिंगिंग शो में नेहा ने आदित्य नारायण से शादी की थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था लेकिन बाकायदा सेट पर नेहा और आदित्य जयमाला डालते दिखे, फेरे लिए गए। नेहा खुद दुल्हन बनकर आई थी। नेहा और आदित्य को दुल्हा दुल्हन बनते देख भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था लेकिन जब आदित्य नारायण के पिता और सिंगर उदित नारायण और उनकी मां खुद सेट पर नई बहू को शादी की बधाइयां और आशीर्वाद देने आई तो लोगों को यकीन हुआ। सेट पर नेहा खुद आदित्य की माँ को सासू माँ बोलती नजर आई और नेहा ने सासू माँ के पैर भी छुए। इतना सब देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेहा और आदित्य की शादी की फोटो खूब वायरल होने लगी लेकिन कुछ दिन बाद ही नेहा के सेट से ऐसी खबरें उठी कि ये सब शो की टीआरपी के लिए ड्रामा किया गया। जी हाँ, शो की टीआरपी के लिए शादी जैसे पवित्र रिश्ते से खिलवाड़ किया गया था। अब भले ही नेहा और आदित्य ने झूठी शादी की हो लेकिन सच्ची खबरें ये भी उठी थी कि नेहा और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन हाल ही में जब आदित्य नारायण ने अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाकर साफ कर दिया कि वो नेहा को दोस्त मानते हैं। नेहा और आदित्य के प्यार की केमिस्ट्री खूब देखी जाती थी, दोनों अक्सर सेट पर मस्ती करते नजर आते हैं। खबरें ऐसी भी बनी कि नेहा पर इंडस्ट्री के कई लड़के दिल हार चुके हैं लेकिन नेहा ने सच्चा प्यार तो हिमांश कोहली से ही किया था लेकिन यहाँ तो नेहा को धोखा ही मिला, हिमांश कोहली ने भी नेहा के साथ धोखा ही किया। इधर नेहा कक्कर की शादी की वीडियो और फोटो लोगों का ध्यान खींच रही है तो उधर उनके एक्स बॉयफ्रेंड हिमांश कोहली ने एक वीडियो अपलोड करके उनकी पूरी सच्चाई बता दी। जी हाँ, नेहा की शादी के बीच उनके एक्स बॉयफ्रेंड हिमांश भी चर्चा में है। दरअसल काफी वक्त बाद हिमांश कोहली लाइव आए और उन्होंने अपने नए गाने के लिए फैन से खूब बातें की। इस बीच लोग हिमांश से नेहा की शादी के बारे में पूछने लगे, उनके और नेहा के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगे।
हिमांश ने वीडियो की शुरुआत ही नेहा के नाम से की। हिमांश कहते दिखे कि आज मैं जो भी हूँ नेहा की वजह से हूँ, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल रही है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे रिश्ते में किसी वजह से दरार पैदा हो गई थी, लेकिन आज भी हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। नेहा के लिए हिमांश की दिल की बात सुनकर लोग समझ गए कि इनके बीच कितना प्यार था, और शायद तभी हिमांश से ब्रेकअप करने के बाद नेहा इतना टूट गई थी कि वो कई बार रियलिटी शो में रोती दिखी थी। वहीं नेहा ने भी हिमांश पर चीट करने के आरोप लगाए थे, और नेहा ने ये भी बताया था कि हिमांश उन पर एक हद से ज्यादा शक करते थे, जिसकी वजह से वो अपने काम पर फोकस नहीं दे पाती थी और बर्बाद होती जा रही थी। लेकिन हिमांश ने आज तक कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये जरूर कहा कि ये सब खबरें झूठी हैं। वो ब्रेकअप के 2 साल तक चुप रहे और उन्होंने नेहा के बारे में आज खुलकर बात की। नेहा की शादी की खबर सुनकर भी हिमांश ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि नेहा जिंदगी में आगे बढ़ रही है। मैं दुआ करता हूँ कि वो रोहन प्रीत के साथ हमेशा खुश रहे। आपको बता दें, नेहा कक्कड़ और एक्टर हिमांश कोहली ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था। हालांकि साल 2018 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। हिमांश कोहली और नेहा कक्कड़ जब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे तो अक्सर कपल गोल्स सेट करते हुए नजर आते थे। एक शो के दौरान नेहा कक्कड़ ने हिमांश कोहली को प्रपोज किया था और 4 साल बाद इनका ब्रेकअप हो गया। तो हिमांश की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। और अब जाकर नेहा को अपना जीवन साथी मिल गया। नेहा और रोहन प्रीत अब शादी करके बहुत खुश हैं, और इन दिनों नेहा अपनी शादी को लेकर खूब चर्चा में है। नेहा ने 24 अक्टूबर को दिल्ली के गुरुद्वारे में शादी की थी, उसके बाद पंजाब में ग्रैंड रिसेप्शन दिया और अब वो मुंबई में रिसेप्शन देने वाले हैं। उससे पहले नेहा की खूबसूरत फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इस सव्यसाची गिफ्ट के अलावा नेहा को बेस कीमती गिफ्ट अपने पति से भी मिला। अब हर दुल्हन के लिए उनके पति का गिफ्ट तो सबसे ज्यादा कीमती और खास होता है। वैसे तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर नेहा को रोहन ने क्या गिफ्ट दिया है। तो आपको बता दें, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं कि नेहा को रोहन ने फर्स्ट नाइट में एक डायमंड नेक पीस दिया है, जो देखने में बेहद खूबसूरत बताया जा रहा है। लेकिन जब इस खबर की जांच हुई तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। रोहन और नेहा ने अभी तक अपने गिफ्ट का खुलासा नहीं किया है, इसलिए हम भी अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि नेक पीस ही नेहा को गिफ्ट मिला। हाँ, नेहा को गिफ्ट तो जरूर मिला है, लेकिन क्या मिला है इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। मेला न्यूज रिपोर्ट।